हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम बैक टू दिशा वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, नई गुड मॉर्निंग जो है वो नए दिन की नई शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो बने रहिए मेरे साथ। आज तो जो है वो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैं कहीं पर जा रही हूँ 2 दिन के बाद, तो उसकी पैकिंग भी करनी है मुझे। तो स्टे ट्यून, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। और अब आपने देखा था कि मैंने जो है वो विंडो वॉश की थी, बेडरूम भी वॉश कर दिया था। तो अभी यहाँ पे मुझे लगाना है पर्दे, तो फटाफट से लगा देते हैं पर्दे और ये जो बालकनी है वो खोल देते ताकि धूप आ जाए घर पे। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यस, अभी यहाँ पे जो पर्दे है वो मैंने वॉश कर दिए थे, तो अभी यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है वो काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन जो है वो रूम हो चुका है और मेरी दिवाली की साफ़ सफाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपने स्टार्ट किया नहीं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मम्मी तुमने बोला है, तो चलिए पहले कर लेते हैं भगवान जी के दर्शन। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय अम्बे, जय अम्बे। तो चलिए अभी कर लेते हैं नाश्ता। और आज मेरे ब्रेकफास्ट पार्टनर में है ये छोटू। छोटू मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है ना, वो उसका ब्रेकफास्ट कर रहा है वो उसका ब्रेकफास्ट कर रही है और मैं मेरा। हाँ, बा पूजा करे बेटा, बा भवे दादी भी कर से पूजा। ओके, और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, मेरा फेवरेट नाश्ता भाखरी, खट्टा मीठा अचार और यहाँ पे दूध। और ये इसका ब्रेकफास्ट कर रही है ना। हाय त्रीति, हाय कह दे बधाने, जी जी कह दे। बू 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 बू। मम्मा नाश्ता करेगी, ये तू खेड़े तारी बदाम खेड़े चल, नहीं भावती मन खबर अच्छे जो मुकी दू। आ कौन खास है? तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट पार्टनर जो है वो खुद का ब्रेकफास्ट यहाँ पे छोड़ के चला गया है वहाँ पे पूजा करने के लिए नाइट ड्रेस पहन के। दादी शू करे, जेजे वाला नाजी करावे हैं? उसको बहुत अच्छा लगता है मम्मी है ना, लालजी महाराज को नहलाते है ना। तो आई तो चलिए, आज तो जो है वो हमें लंच करने के लिए जाना है बाहर। तो जो एक्स्ट्रा काम है उसमें है आज मुझे फ्रिज जो है वो साफ करना है, तो फटाफट से वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सभी चीज़ें जो है वो बाहर निकल के रख दी है अच्छी तरह से। यहाँ पे जो है वो मैंने दो जो होते हैं स्लाइडर वो निकाल दिए है, नीचे का पहले दो कर दूँ फिर वो नीचे का कर दूँगी। और इसकी हालत देखो, ये मैट की बहुत ही गंदा हुआ है इस बार तो फ्रिज, क्योंकि जो अचार की बॉटल थी वो लीक हुई थी, तो इसकी वजह से ये जो है वो पूरा बिगड़ गया था। मुझे नहीं लगता है कि ये जो है वो अभी निकलेगा, ये नया ही लेना पड़ेगा। मैं वॉश तो कर देती हूँ बट कलर नहीं जाएगा डेफिनेटली, फिर पता नहीं अगर जाए तो। और ये दूसरी वाली नेट है ये तो अच्छी है, थोड़ी ही बिगड़ी है, तो ये भी वॉश कर देते हैं। तो बहुत ही गंदा हो गया है, स्पेशली मानसून की सीज़न में ये जो सभी चीज़ें वो अच्छी तरह से वॉश करके रखनी चाहिए, वरना इसमें जो छोटे छोटे जीवात आ जाते हैं वो बहुत ही गंदा मतलब हमारा फ्रिज और उसमें खाने के आइटम छोड़ देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको क्लीन करती हूँ और फिर बाद में मिलते हैं। हाय दिशा, हूँ करे हाय। ये देखो ये साफ कर रही है फ्रिज के अंदर जो है वो कांच की बोतल थी, वो टमाटर की चटनी बनाई थी ना, तो वो लीक थी बोतल, तो पूरा बिगड़ गया है और अभी ये निकल नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, निकलेगा? नहीं जाएगा वो, बदलना पड़ेगा अभी।
कोई बात नहीं, इसको जाने देंगे हम, तो जाने देंगे क्या करें। अगर किसी को पता है कि ये जो आचार होता है उसका जो होता है डाक वो कैसे जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में, सर्फ के पानी में भिगो के रख। नहीं भाई ये सर्फ तो है, भिगो के रख दो घंटा, गर्म पानी में कर लो, गर्म पानी में थोड़ी रख सकते, रखा है ना तो वो कर लेते सर, और तो क्या, तपेली में रख दो। चलो बाय। क्यों बाय? मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो धृति को खाना खिला रहे हैं, रोटी और गुड़, और मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ। और धृति को है ना बा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, दादी के साथ खाना खाना मुझे परेशान करती है, दादी को नहीं करती है वो, कर ही दे। और यहाँ पे ये जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो दिया है और अच्छी तरह से पोंछ भी लिया है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम की तपेली के अंदर मैंने पानी जो है थोड़ा सा गुनगुना करने के लिए रख दिया है। फिर हाँ फिर इसमें जो है ये मैं डाल दूंगी ये वाली, और सर्फ डाल दूंगी, अगर होता है तो ठीक है वरना जाने देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है वो पूरा फ्रीज मैंने साफ कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से, नीट और क्लीन। यहाँ पे भी जो है वो पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, ये तो पहले किया था बट फिर भी अभी कर दिया ताकि अच्छी तरह से फिर भी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज साफ करें ना तभी निकालनी होती है, वो मैंने निकाल दी है। और ये येल्लो बैग भर के तो पूरे ऑर्गेनिक नींबू है, फार्म के नींबू है। और यहाँ पे भी जो है वो हमने अच्छी तरह से कर दिया है। तो अभी बज गए दोपहर के 1, और आज हमें खाने के लिए जाना है बाहर लंच के लिए, चिकनेश लेके जाने वाले हैं। तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी और फिर बाद में मिलते हैं। कहाँ पे जा रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये देखो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है पूरा यहाँ तक, तो चलिए मिलते हैं बाद में। बाय कह दे धृति, बाय बाय। और यहाँ पे देखो मुझे पता भी नहीं था और उसने जिग्नेश का लैपटॉप जो है वो ऑन कर दिया है ना। डैडी बोलेंगे ये तो अच्छा है कि आजकल पासवर्ड आता है तो ओपन नहीं कर सकते बच्चे, वरना ये तो लैपटॉप भी ऑपरेट कर दे 1 साल के बच्चे तो, है ना धृति। नाउ क्लोज द लैपटॉप, ओए लैपटॉप ने क्लोज कर ही दो, क्लोज कर ही दो लैपटॉप ना ना केम। देखो उसको वो भी पता चल गया कि मम्मी ने क्लोज मतलब बंद करने के लिए बोला। धृति डैडी बोलसे हो पछी मम्मा तन नहीं बचाव आवे हो, डैडी बोलसे त्यारे बस क्लोज कर दे। वेरी गुड, नाउ डोंट टच, ओके नो नो कही दे, नो 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 कही दे, हाँ नो नो डोंट टच, ओके डोंट टच बेटा प्लीज। चलो हवे बाबा जवानू छे ने तो रेडी थई जाओ, चलो ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं वडोदरा की फेमस जगह पे जो कि है महाकाली सेव उसल। तो यस हमारा सभी का जो है वो फेवरेट है सेव उसल, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे सेव उसल खाने के लिए और बहुत ही मस्त और यम्मी। तीनों खाए बेटा अत्यारे, हांज पड़ी हवार नहीं पड़ी, तो क्या थी आवे राता मासी, दूधनी तपेली केम लीधी, હાંજ પડી છે હવાર નથી પડી, હા લાવો મને આપો હું મૂકી દઉં। तो चलिए शाम के बज चुके हैं 5:30 और आज सब लोग जो है वो थक गए थे तो सभी लोग जो है वो सो गए थे, तो अभी सब लोग सो ही रहे हैं। और बा जो है उनको लगा आज कि सुबह हो गई है तो वो जो दूध की तपेली आती है ना वो बाहर रख दी उन्होंने कि दूध आए तो मैं बोल दूंगी कि दूध आ गया है ऐसा। बट शाम हो गई है तो हमारे बा जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा भूल जाते हैं कि सुबह हुई है या शाम हुई है। बा को जो है वो अप्रोक्स 100 साल से ऊपर की साल है बाकी, तो बहुत बड़े हमारे बा, बट अभी तक जो है उनकी स्वास्थ्य जो है उनकी तबीयत जो है वो अच्छी रहती है, वो उनका उनका सब कुछ जो है खुद का काम वो कर लेते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अच्छी बात है वो, कोई बात नहीं। चलो अभी मैंने दूध की तपेली तो ले ली है फिर से, और अभी शाम के मेनू में है ढोकला तो उसके लिए मुझे लहसुन की चटनी बनानी है। तो धृति सो रही है तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ लहसुन की चटनी और फिर बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लहसुन फोल के रखा हुआ है बट इतना लहसुन तो नहीं होगा तो लहसुन फोलना पड़ेगा, तो फटाफट से लहसुन को जो है वो फोल देते हैं।
मेरे साथ आ गई है किचन में मेरी बेटी। बस उसको सब कुछ लेना ही होता है। सो मम्मी जाओ, दादी आरती करे, गो गो। हाँ कार्तिक जोड़े रंबू चचा, देखो धृति। और यहाँ पे आ गए है धृति का दोस्त कार्तिक। ते सरनेम क्या है? वो तो तेरा नाम है कार्तिक। देख वो बोली, कौन आयो? मम्मा तेड़ से नहीं है, नहीं नहीं मम्मा ये तेड़ो छे। नो 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 मम्मा तेड़े नहीं, मम्मा ने काम छे धृति अंदर। तू जोड़े रहो भाई जोड़े। जो भाई क्या चेड़ो छो? जो जो स्पाइडर मैन है तू, स्पाइडर मैन। स्पाइडर मैन यहाँ पे हमारी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है ना ये। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मसूर की दाल की खिचड़ी जो है वो बनाने के लिए रख रही हूँ धृति के लिए। आप अपने घर पे छोटे कोई भी बच्चे हैं तो मसूर की दाल उनको खिलाएगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी जो है वो बना दी है। ये वाली जो लहसुन की चटनी है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी, तो इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मैं डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे जाके चेक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तू दूसरा ले ले कार्तिक, दूसरा ले ले, कोई भी ले ले। और अभी यहाँ पे हमारे घर पे आ गया है कार्तिक। और धृति और कार्तिक दोनों खेलते हैं अच्छी तरह से, तो मज़ा आता है उन दोनों को भी खेलने में। क्या कर रहे हो दोनों बैठे हो हैं? तो आज हमारे खाने के मेनू में है खाटिया ढोकड़ा, लहसुन की चटनी और साथ में देसी गुड़। तो चलिए सुबह से उसल और शाम को खाटिया ढोकड़ा खाने के बाद है अभी बारी है पेट को थोड़ा ठंडक देने की। तो यहाँ पे मैं और मेरी फैमिली पूरा जो सभी लोग हैं वो हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और उसमें है आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम जो कि हमारी फैमिली में सभी का फेवरेट। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ गए और यहाँ पे बैठ गए चिग्नेश। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आइसक्रीम पार्टी भी हो चुकी है, तो अभी रात के बज चुके हैं 11, तो अभी सोने का टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण एंड जय हिंद।